फोटो एडिटिंग की अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए फोटो के साथ। अगर आप अपनी खुद की फोटो कुछ इस तरह की बनाना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। इस फोटो एडिटिंग में जितनी भी फोटो की जरूरत होगी उन सभी फोटो के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो सभी फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहली वाली फोटो से स्टार्ट करेंगे। जाएंगे यहाँ शेयर में, शेयर में जाने के बाद जाएंगे यहाँ पिक्सआर्ट में। बैकग्राउंड को इरेज करना है उसके लिए जाएंगे यहाँ ड्रो में, फिर यहाँ पे लेयर पैनल को ओपन करेंगे। दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके जाएंगे यहाँ इरेजर में, इरेजर की साइज सेट कर लेंगे। बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इरेज हो चुकी है। अब पहले नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे ऐड ऑब्जेक्ट और फिर फोटो, वहाँ से हम अपनी बैकग्राउंड वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। फ़ोटो की साइज़ को बड़ी कर लेंगे, कहीं भी डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। पहले नंबर के लेयर को दूसरे नंबर पे रख लेंगे। फ़ोटो को थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लीजिए। पहले नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके जाएंगे लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफ़र, फिर यहाँ से डन कर लीजिए। जाएंगे ऐड लेयर, उसमें फ़ोटो लेयर, यहाँ से डन कर लीजिए। दूसरे और तीसरे नंबर के लेयर को यहाँ से हाइड कर लेंगे। जाएंगे लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफ़र, फिर यहाँ से डन कर लीजिए। दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से अनहाइड कर लेंगे। जाएंगे लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफ़र, यहाँ से डन कर लीजिए। तीसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से अनहाइड कर लेंगे। जाएंगे लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफ़र, पहले नंबर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जाएंगे लेयर एक्शन और फिर मर्ज, लेयर एक्शन और फिर मर्ज, लेयर एक्शन और फिर मर्ज, फिर जाएंगे लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर, यहाँ से डन कर लीजिए। फिर जाएंगे ऐड लेयर, उसमें एम्प्टी लेयर, इस एम्प्टी लेयर को दूसरे नंबर पर रख लेंगे। जाएंगे यहाँ ब्रश में, सेटिंग में जाके हार्डनेस को 1% पे रखेंगे, साइज थोड़ी बड़ी रखेंगे। अब शैडो बनाएंगे, ओपेसिटी को कम करेंगे, फिर यहाँ से डन कर लीजिए। अब हमें फोटो को सेव करना है, उसके लिए जाएंगे यहाँ ड्रो में, मोर एक्शन, सेव इमेज। फोटो को सेव कर लेने के बाद जाएंगे गैलरी में, ये रही हमारी फ़ोटो। जाएंगे यहाँ शेयर में, शेयर में जाने के बाद जाएंगे स्नैपशीट। अब हमें इस फोटो में इफेक्ट डालनी है, उसके लिए जाएंगे यहाँ पेन में, वहाँ पे जाएंगे फेस, फिर यहाँ से डन कर लीजिए। दोबारा से जाएंगे पेन में, टोनल कॉन्ट्रास्ट, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। दोबारा से जाएंगे यहाँ पेन में, HDR स्क्रैप,
फिर यहाँ से डन कर लीजिए। यहाँ से डन करके फ़ोटो को सेव कर लेंगे और फिर जाएंगे गैलरी में। ये रही हमारी फ़ोटो, जाएंगे यहाँ शेयर में। शेयर में जाने के बाद जाएंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक, जाएंगे यहाँ पेन में, वहाँ पे स्मूथ वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे सबसे आखिर वाला, जाएंगे यहाँ सेटिंग, ब्रश की साइज सेट कर लेंगे, चेहरे को स्मूथ करेंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि चेहरे को स्मूथ किस तरह से किया जा सकता है तो उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ आई बटन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चेहरे को और कपड़े को स्मूथ कर दिया है, अब हमें बालों को सेट करना है। उसके लिए जाएंगे यहाँ ब्रश में, वहाँ से तीसरे नंबर का ब्रश सिलेक्ट करके जाएंगे यहाँ सेटिंग, ब्रश की साइज सेट कर लेंगे, अब बालों को सेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि बालों को किस तरह से सेट किया जा सकता है तो उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ लेयर पैनल में, जाएंगे यहाँ एड लेयर, दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके जाएंगे यहाँ ब्लेंडिंग, वहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर जाएंगे यहाँ कलर में, वहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करके जाएंगे यहाँ पेन में, वहाँ से ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कपड़ों पे कलर कर दिया है, अब हम जाएंगे यहाँ लेयर पैनल में, दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके ओपेसिटी कम करेंगे। ठीक है, फिर जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से जाएंगे शेयर, अदर्स, पिक्सा, अब हम जाएंगे लेंस में। ये लेंस तभी ओपन होगी जब आपका इंटरनेट ऑन होगा। फिर यहाँ से डन कर लीजिए। फ़ोटो को सेव करना है, उसके लिए जाएंगे यहाँ ड्रो में, मोड एक्शन, सेव इमेज, फ़ोटो सेव हो चुकी है।